जब कभी हम माइलस्टोन का वर्ड सुनते हैं, हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आना स्टार्ट होती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। आपको अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे, यार ये करने की मोटिवेशन नहीं है, ये करने की मोटिवेशन नहीं है। मैं भी काफ़ी हद तक ऐसा ही था, बट ट्रस्ट मी, ऑल दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस। हाँ सही है, मोटिवेशन का होना ज़रूरी है एक हद तक, लेकिन उससे ज़्यादा डिटर्मिनेशन का होना ज़रूरी है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। तो मेरे साथ भी मोटिवेशन को लेकर काफ़ी इशूज थे, लैक ऑफ मोटिवेशन को लेकर बेसिकली। बट आज से 2 महीने पहले आई वेंट थ्रू अ डायलॉग विच चेंज्ड माय लाइफ। अब वो डायलॉग एक इंडियन ड्रामे का था, तो आई डोंट वांट टू कोट उस ड्रामे का नाम, बिकॉज देन पीपल स्टार्ट जजिंग विच आई डोंट लाइक। तो हम डायरेक्टली डायलॉग कोट करते हैं। डायलॉग यही था कि आप पूरे दिन में कुछ भी करो, पूरे 24 घंटे में कुछ भी करो, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सोचो कि आपने पूरे दिन में ऐसा क्या किया जिससे आप प्राउड फील कर सको। आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि ये आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बट लेट मी लिंक इट इस वीडियो के टॉपिक से। आपको याद होगा मैं बात करता हूँ डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन की वीडियो के स्टार्ट में। तो जब आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराते हो और रिफ्लेक्ट बैक करने की कोशिश करते हो कि आपने पूरे 24 घंटे में ऐसा क्या किया कि जिस पे आप प्राउड फील कर सको, तो वहाँ से चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होती हैं। अब जितना मुझे पता है, लैक ऑफ मोटिवेशन या तो डायरेक्शन ना होने की वजह से होती है, या तो आपके गोल्स डिफाइंड ना हो तब होती है। तो व्हेन यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग कि आपने पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या किया था जिससे आप प्राउड फील कर सको, तो यू स्टार्ट डेवलपिंग योर गोल्स। छोटे छोटे गोल्स बनना स्टार्ट होते हैं कि यार आज मैंने ये अचीव कर लिया, कल मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे नेक्स्ट डे ये करना है। एंड दैट्स हाउ यू सेट योर डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन सेट हो जाती है, तो आपके पास आपके माइलस्टोन सेट होना स्टार्ट होते हैं। और जब माइलस्टोन एक बार सेट हो जाते हैं, तो फिर यू ट्राई टू अचीव देम। और मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन है, क्योंकि मोटिवेशन बड़ी आसानी से आई जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है, बट जब आपके पास डिटर्मिनेशन होती है ना, तो उस्ताद कुछ भी कर लो, आप माइलस्टोन अचीव करके ही रहते हो। और फिर जाके आपको पता चलेगा कि माइलस्टोन्स का मतलब क्या है, या माइलस्टोन्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। सो ये वीडियो जिस डायलॉग पे बेस्ड है, आई एम प्रैक्टिसिंग दैट सिंस पास्ट 2 मंथ्स। तो अब जो है मैं 24 घंटे से जो है बढ़ाकर 6 घंटे पर आ गया हूँ। मतलब हर 6 घंटे में मेरे माइलस्टोन सेट होते हैं और फिर अचीव भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट हैज़ वर्क ग्रेट फॉर मी। आप भी ट्राई करके देखिएगा कैसा लगता है, कैसा नहीं, और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा, पॉजिटिव फीडबैक अगर हो तो। सही है। बाय द वे, मैं इतना डीप एनालिसिस कब से करने लग गया? मतलब वाकई में डीप एनालिसिस कर भी रहा हूँ या ऐसा मुझे ही लग रहा है सिर्फ? बताओ यार।